हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये अरबी की सब्ज़ी की रेसिपी, जिसे मैं आज बनाने वाली हूँ रसेदार, यानी कि रसेदार अरबी की सब्ज़ी। अरबी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलोकेसिया, टैरो रूट, हिंदी में भी अलग अलग नामों से बुलाई जाती है ये, जैसे कि अरबी बोलते हैं इसे, घुइयाँ बोलते हैं कई जगहों पर। बहुत ही बढ़िया बनती है इसकी सब्ज़ी, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए मैंने पहले 2 बड़े चम्मच तेल को गरम कर लिया है और प्रेशर कुकर लिया है मैंने इसको बनाने के लिए, ताकि जल्दी से बनकर तैयार हो जाए ये सब्ज़ी। उसके गरम होते ही तेल के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड करा है अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़रूरी है इस अरबी की सब्ज़ी में, क्योंकि बहुत ही गुड है अजवाइन डाइजेशन के लिए। और जब कोई स्टार्ची फूड में बनाती हूँ तो उसमें अजवाइन हींग तो बहुत ज़रूरी से डालती हूँ, तो ये बहुत ही बादी वाली चीज़ है अरबी, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है अजवाइन। साथ साथ ही इसमें चला गया है ये 1 मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। अब इसको अच्छे से सौते कर लेती हूँ। जब तक इसे पकाऊंगी, जब तक अच्छी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती ये प्याज, तो साथ साथ बीच में मैंने ऐड कर दिए 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्चें भी। अच्छे से मिक्स करते हैं इसको और 1-2 मिनट तक इसे पकाते हैं। प्याज हल्की सी ट्रांसलूसेंट सी, गोल्डन सी हो गई है जब, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर देते हैं इसको अब। साथ साथ अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा टमाटर लिया है मैंने, जिसको रफली चॉप किया हुआ था वो ऐड कर दिया है। अगर आप 1 बड़ा टमाटर नहीं ले रहे हैं तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने ऐड कर दिया है टमाटर। इसको अब पकाना है हमको, तो इसमें पहले ऐड कर देते हैं नमक, ताकि जल्दी से पकने जाए ये टमाटर। साथ साथ मसाले भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप लाल मिर्च कम कर सकते हैं अगर आपको तीखा कम पसंद है, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करी हैं लेकिन मुझे तीखी चाहिए सब्ज़ी, तो मैंने ज़्यादा ऐड करा है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर, और मिक्स कर देती हूँ इसको। तो टमाटर थोड़े थोड़े सौगी हमारे होने लग गए हैं, यानी कि पकने लग गए हैं ये टमाटर। इसमें 1/4 चम्मच मैंने ऐड करा है ये हींग का। तो सब चीज़ें अच्छे से मसाले मिक्स कर देते हैं और टमाटर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सॉफ्ट होने लग गए हैं अब। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये 300 ग्राम्स के करीब अरबी लिए मैंने, इसको अच्छे से पील करा है पहले, फिर इसको वॉश करा है। जब भी आप अरबी पील करें तो ज़रूर से हाथ में तेल लगा लें, क्योंकि अरबी की जो रूट्स हैं वो थोड़ी सी इचिंग कई बार हाथों में कर देती हैं। आप इसे तेल लगाकर पील ऑफ करेंगे, इसका स्क्रेप ऑफ करेंगे, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी ये। उसके बाद वॉश करके इसको 2 टुकड़ों में मैंने काट लिया है बस, और ऐड कर दिए 300 ग्राम अरबी, साथ साथ 1 कप पानी, और मिक्स करके प्रेशर कुकर का ढक्कन कर दिया है बंद। 3 सीटी लगाई है मैंने इसमें और उसके बाद स्टीम रिलीज़ करके खोल लिया है ये। अब चेक करते हैं कि अरबी हमारी पक गई है या नहीं पकी है। तो ये एक अरबी का टुकड़ा मैंने निकाल के फोक की मदद से मैं इसको चेक करके देख रही हूँ। तो बिल्कुल सॉफ्ट है ये अरबी, आराम से कट रही है, तो परफेक्टली कुक्ड है ये अरबी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसका जो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए मैं बस इसको ढककर थोड़ी देर और पकाऊंगी, और उसी भाप में ये थोड़ी सी जो कसर, हल्की सी अरबी के में पकने में जो कसर है वो भी हो जाएगी, क्योंकि ओवर कुक अगर हम अरबी को कर लेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इतना ओवर कुक भी नहीं करना है हमें, तो मैं इसे ढककर अब पकाने वाली हूँ बस 3-4 मिनट के लिए और। तो पकाने से पहले मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच गरम मसाला और साथ साथ बारीक कटा हुआ धनिया, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू ऐड हो जाएगी। तो ये ढक्कन लगा दिया है, 3-4 मिनट तक इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। तो ये 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हो गई है ये सब्ज़ी बनकर तैयार, और एकदम बढ़िया सा लाल सा कलर आ चुका है सब्ज़ी का। बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई है ग्रेवी की, जिस तरीके की मुझे चाहिए। तो इसको करती हूँ मैं अब गर्मा गर्म सर्व। तो ये मैं प्लेट आउट कर रही हूँ ये अरबी की रसीली सब्ज़ी, जो कि बहुत ही बढ़िया करी बनती है इसकी, और खाने में इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और बढ़िया बात यह है कि आप इसको चाहे चपाती के साथ खाएं, चाहे पराठे के साथ खाएं, चाहे ज़ीरा राइस, बॉइल्ड राइस, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। सबके साथ बहुत ही बढ़िया लगती है, स्पेशली लंच में जब आप इसको बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया कंप्लीट मील हो जाती है ये। और स्पेशली अरबी थोड़ी सी हैवी होती है, बिकॉज पैक्ड अप होती है कार्बोहाइड्रेट से, तो इसको आप अगर लंच में बनाएंगे तो डाइजेशन के लिए ईजी रहता है इसको डाइजेस्ट करना। रात में थोड़ी सी हैवी हो जाती है ये सब्ज़ी, इसलिए मैं इसको ज़्यादातर लंच में बनाना प्रेफर करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं
बढ़िया अरबी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छा कलर आया है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। प्रेशर कुकर में इसको बनाते हैं तो 10-15 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो ट्राई करिए ये रेसिपी। आज मैं इसको सर्व कर रही हूँ लंच में पूरी कंप्लीट मील की तरह, गर्मा गर्म फुलको के साथ जिसपे लगाया है देसी घी, और गर्मा गर्म सर्व कर दी है ये सब्ज़ी इस तरीके से थाली लगाकर जो इसे बनाता है कंप्लीट लंच मील थाली। तो बहुत ही बढ़िया लगती है जब इस तरीके से सर्व करी जाती है लंच में। कोई भी चीज़ आप बनाएं ये अच्छे तरीके से उसे सर्व करें और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ। तो ये पूरी लंच मील थाली बनकर तैयार है। अरबी की सब्ज़ी है, इसमें प्याज टमाटर का थोड़ा सा कर्ड ऐड करके सैलड है, बॉइल्ड राइस हैं, चपातीज़ हैं, पिकल है और साथ में है बढ़िया पापड़। तो देर किस बात की गाइज, इट्स सच अ ईजी रेसिपी टू ट्राई ऑन एंड आई एम श्योर यू विल जस्ट फॉल इन लव विद दिस रेसिपी बिकॉज इट इज़ क्वाइट ईजी टू कुक एंड वेरी इन्जॉयबल, फ्लेवरफुल एंड डिलिशियस। सो ट्राई दिस रेसिपी आउट। अगर आपको पसंद आई है ये रेसिपी, ये वीडियो, तो इसको ज़रूर से लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक और सब्सक्राइब का बटन ठीक इस वीडियो के नीचे है, जिसे क्लिक करे बिना आप इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माई रेसिपीज। इन्जॉय मेकिंग दिस डिलिशियस अरबी की सब्जी एंड हैव अ लवली टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस। गॉड ब्लेस। बाय बाय, टेक केयर।